द्वार पे आत्मसमर्पण होता है। नमस्कार, लाइफ एंड गार्ड से मैं मलिका। पूरा देश मना रहा है वैलेंटाइन वीक। मौसम प्यार का है और गुलाब से बाजार भी सज चुका है। आप देख सकते हैं आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है धनबाद स्टेशन के पास, जहां लगभग 50-60 सालों से फूल का कारोबार किया जा रहा है। और इतना ये पुराना दुकान है कि लोग का भरोसा भी इस पर बना हुआ है। वैलेंटाइन वीक तो चल ही रहा है और 2 दिनों के बाद वैलेंटाइन डे है, तो हमारी एक कोशिश है कि कितने तरह की गुलाब यहाँ पर बेची जाती है और क्या कुछ खास है इस बार के वैलेंटाइन के लिए। हमारा एक ये भी प्रयास है कि धनबाद के दिल में क्या है। धनबाद में सबसे पुरानी जगह या व्यापार की दृष्टि से या कुछ खास जो हम आप सभी लोगों तक पहुँचा पाए, और आज हम स्टेशन में मौजूद हैं। चलिए दुकान के मालिक से जानते हैं इस दुकान की कहानी, 50-60 साल पुरानी कहानी को सुनते हैं। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सतीश कुमार। ये दुकान कितनी पुरानी है? दुकान तो मेरे पिताजी के समय से है जी। वो मैं लगभग 25 साल से दुकान चला रहा हूँ, और उसके पहले मेरे पिताजी चलाते थे। तो लगभग कितने साल का हो गया ये दुकान? मान लीजिए कि मेरे याद से 40+। सर, इस बार वैलेंटाइन डे के लिए क्या खास अवेलेबल है आपकी दुकान में? देखिए, इस बार तो वैलेंटाइन डे का कुछ समझ में नहीं आ रहा है जी। ठीक है, जब 2004 में जब स्टार्ट हुआ था तो उस समय कुछ लगा था कि है जी। अब धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। सर, आप लोग गुलाब का व्यापार भी करते हैं, आपकी नज़र में ये जो लोग कहते हैं आजकल के बच्चे प्यार प्यार प्यार, आपको क्या लगता है सही परिभाषा क्या है? देखिए, प्यार का परिभाषा तो अपने फैमिली मेंबर से भी कर सकते हैं, माता से, पिता से जी। जो मेरे बुजुर्ग हैं उनसे, और बाकी दोस्त यार हैं वो तो अलग बात है। अब उनके साथ कैसा रिलेशन रहेगा, कब तक रहेगा, कैसा रहेगा, तो उसको बता नहीं सकते हैं। तो अभी जब ये सीजन वैलेंटाइन का चल रहा है तो लड़के लड़कियां तो गुलाब खरीदने आते होंगे? खरीदने तो आते हैं। तो आपको देखकर क्या महसूस होता है कि उनकी फैमिली को इस बात की जानकारी है कि क्या चल रहा है पीठ पीछे? नहीं नहीं, देखिए जो आते हैं वो तो, देखिए कोई भी चीज़ जैसे रोज लेने जो भी आते हैं तो वो तो बच के ही आते हैं जी। सीरियसली तो नहीं बता सकते हैं कि हम किनको देने के लिए ले जा रहे हैं जी। तो आप लड़के लड़कियों को कुछ संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि प्यार के नाम पर देश में कई घटनाएं घट जाती हैं और लगातार घट भी रही, आप कुछ कहना चाहेंगे जो छोटे बच्चे बच्चियाँ हैं? इस पे क्या है कि देखिए, हमारा खुद का सेंस है जी। अपने जीवन के बारे में जितना अच्छा हम खुद सोच सकते हैं उससे अच्छा कोई दूसरा नहीं सोच सकता है अपने बारे में। और जैसे कि कई बार हम देखते हैं कि कोई कपल या मैरिड कपल आते हैं, वो भी आते होंगे? हाँ, वो आते हैं तो उनका खुशी अलग होता है जी। वो आए अपना, मान लीजिए कि मियाँ बीवी है तो उनका रुझान अलग है, अपना साथ में भी आते हैं, सिंगल भी आते हैं। तो आप अरेंज मैरिज को ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहेंगे या जो लोग लव मैरिज करते हैं आपको लगता है वो सही है? मेरे हिसाब से तो लव मैरिज सही नहीं है जी। अब जो करते हैं उनके लिए सही है जी। हम तो अपना व्यक्तिगत राय किसी को दे सकते हैं जी। हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं कि आप ये मत कीजिए। सर, जैसे कि आजकल जो हम घटनाएं सुनते हैं उसमें देखा जाता है कि बच्चे बच्चियां जो हैं वो उस एज में है जिसमें कई तरह की चेंजेस हो रही है, लेकिन इस कारण वो गलत रास्ते पर चले जाते हैं। तो देखिए, आज का माहौल, हम लोग का माहौल अलग था, अभी का माहौल अलग हो चुका है जी। आज के बच्चे क्या सोच रहे हैं, उनका मानसिकता क्या है जी। उनके गार्जियन के ऊपर भी डिपेंड करता है जी। गार्जियन अगर ना उनको ज़्यादा कड़ाई करना है ना ज़्यादा प्यार करना है, स्टेबल रहने से अच्छा रहेगा। और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, अधिकांश तो जो बच्चे गुलाब लेने आते हैं आपके दुकान में वो बेरोजगार ही होंगे, तो वो क्या रेट कम करवाते हैं? हाँ, बार्गेनिंग तो होता ही है।
तो आपको जब आप गुलाब बेचते हैं तो मन में क्या चलता है? कभी डाउट लगता होगा कहीं ऐसे बच्चे आ जाते हैं? देखिए, हम सीधी सी बात है, हम बिजनेस करते हैं, तो आप भी रोज लेने आए तो हम तो आपको देंगे जी। 10 रुपया पीस चल रहा है, 10 बताएंगे जी। बाजार में 15 चलेगा, 15 बताएंगे जी। हम तो चाहेंगे कि आपसे 15 ही लें, लेकिन आप चाहेंगे कि नहीं मैं 10 में खरीदूं जी। तो अगर हमारा पोसाई पड़ेगा तो 10 में भी बेच देते हैं। तो अभी गुलाब किस किस रेंज में आपके पास है? ऐसे कलकत्ता का लोकल रोज जो आएगा वो 10 रुपीस जी। 1 पीस और 12, आज 12 हो गया, कल 13-14 होने के बाद हो सकता है 5 बढ़ जाए तो 15 हो जाए जी। और माला वगैरह भी बेचते हैं आप? माला हम लोग ऑल टाइप फ्लावर डेकोरेशन भी करते हैं। माला वगैरह का क्या रेट है? माला का ये गेंदा माला 20 रुपीस, येल्लो 25, ये 20 बस। और फिर जैसा आप, अभी तो गूगल का ज़माना है, लोग फ़ोटो दिखाते हैं, जैसा बोलते हैं वैसा हम लोग बना के देते हैं। हाँ, मतलब अभी जिस तरह का आप बताएं उस तरह का देंगे। तो आपको क्या लगता है, ये जो फूल के व्यापारी होते हैं उनको अच्छा मुनाफा होता है? अगर कोई नया आदमी इसमें एंट्री लेना चाहे तो ले सकता है? देखिए, बिजनेस कौन क्या करना चाहेगा वो तो उसके दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है। स्टार्ट करना चाहता है तो वो क्या पहले आसपास के सराउंडिंग में क्या देखे? देखिए, अभी क्या है, अभी तो किसी का राय लेने से पहले गूगल में ही सर्च कर लेता है कि कौन सा बिजनेस हम करें जी। अब हमसे राय लेने आएगा तो हम थोड़ी बोलेंगे कि मेरे बगल में बैठो जी, जी। कोई नहीं जी। तो हम लोग तो यहाँ पे बहुत जितना दिन से है सारा दुकान यहाँ पे है। नहीं, दुकान एक नहीं है, सबका जितना एक एक खंभा है सबका अलग अलग दुकान है। मतलब खंभा ही उनका पहचान है कि ये अलग है वो अलग है। यहाँ लाइन से कितने लोग बेचते हैं? 15-20। 15-20, तो आपको लग रहा है कि आज के दौर में इसमें कंपटीशन काफी बढ़ रही है ऑनलाइन मार्केटिंग के कारण आप लोगों का? कंपटीशन तो आज के डेट में हर बिजनेस में है जी। खरीदने वाले चाहेंगे कि हमको 2 रुपया कम में मिले, बेचने वाले चाहेंगे कि 2 रुपया अधिक मिले, बस फंडा तो यही है बिजनेस का। तो आपको निजी तौर पर ये जो वैलेंटाइन डे देश मनाता है वो कैसा लगता है? देखिए, अब वैलेंटाइन डे जो मना रहे हैं, रोज मेरे पास खरीदने आ रहे हैं, मेरा बिजनेस बढ़ेगा तो मेरे लिए अच्छा है। अच्छा है, लेकिन जो बच्चे कुछ गलत करते हैं उन्हें कुछ कहना चाहेंगे अगर दोबारा? उन्हें हम, जीवन का ये बहुत बड़ा फैसला है। देखिए, फैसला है बच्चे, हम तो इतना ही कहना चाहेंगे कि अपने दिमाग से बेटर कुछ नहीं है। अपने दिमाग से जो डिसीजन हम लेंगे उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है, और बाकी गार्जियन का गाइडलाइन भी इसमें होना चाहिए। तो रिश्ते में मतलब पारिवारिक मंजूरी मतलब मिल जाए तो अच्छा रहेगा। हम लोग तो जो सीखे हैं अपने परिवार से, हम लोग तो चाहेंगे कि वही हो जी। अभी मान लीजिए न्यू जनरेशन है, तो न्यू जनरेशन में लोग क्या कर रहे हैं उससे हमको मतलब नहीं है जी। हम जो अपने दिमाग से सोचते हैं, हम वही जो उचित फैसला है वही लेंगे। हम तो दूसरे के देखने के हिसाब से नहीं चलेंगे कि वो क्या कर रहे हैं, हम तो अपने बच्चे को संस्कार जो हम सीखे हैं वही देना चाहेंगे। तो मतलब जो लोग संस्कारी हैं या लोगों को, बच्चों को ये देखना चाहिए, मानना चाहिए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। रिस्पॉन्स तो देखिए, मेरे बच्चे हैं तो वो मेरे ऊपर डिपेंड है, तो उसका जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। अगर कल कुछ होता है घटना तो जवाब कोई नहीं देगा, जवाब मेरे को देना होगा। अगर हम सही से अगर उसका मार्गदर्शन कराएंगे तो बच्चे जरूर उस राह पे चलेंगे। तो क्या आपको लगता है कि जैसे महिलाओं के साथ जो घटनाएं घट रही है उसमें इस तरह के जो 7 दिन गुलाब को, वैलेंटाइन को सेलिब्रेट किया जाता है वो भी रिस्पॉन्सिबल है? बच्चे छुप छुपा कर गुलाब दे रहे हैं, घूम रहे हैं परिवार से छिप कर। देखिए, वो तो क्या कर रहे हैं गार्जियन को पता नहीं ना है जी। गार्जियन को अगर बता के कर रहे हैं तो गार्जियन थोड़ी बोलेंगे कि आप ये कीजिए। मेरे भी गार्जियन है, अगर मैं घर में बोलूँगा मम्मी को कि ये करने जा रहा हूँ तो वो तो परमिशन नहीं देंगे जी। अगर आप भी घर में बोल के आएंगे कि मैं ये करने जा रही हूँ तो आपको तो परमिशन नहीं मिलेगी जी। तो परमिशन नहीं मिलेगी तो फिर तो आप कर नहीं पाएंगे जी। नहीं कर पाएंगे तो फिर तो इसका जो इंजॉयमेंट है रोड पर नहीं हो पाएगा जी। तो आपको खुद सोचना है मतलब क्या सही है क्या गलत है। आपने सुना, 40-50 साल पुराने दुकान को जहां गुलाब और फूल सामग्री बेची जाती है। मैंने
कई तरह के सवाल उनसे पूछें, वैलेंटाइन के महत्व को जानना चाहिए और क्या इस तरह से जो बच्चे 7 दिन सेलिब्रेट करते हैं वो कितना सही है, और क्या महिलाओं के साथ जिस तरह की घटनाएं घट रही है उसमें इस तरह के ओकेजन को वैलेंटाइन वीक को सेलिब्रेट करना क्या वो भी एक वजह हो सकती है। खैर, सब अपनी व्यक्तिगत राय रख रहे हैं, आप सभी साझा करें कि क्या इस तरह वैलेंटाइन वीक सेलिब्रेट करना अच्छा है, और अगर आप अपनी कुछ स्टोरी शेयर करना चाहें तो आप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। लगातार बने रहें लाइव इंडियन गार्ड के साथ।